और अब देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर। अप्रैल से जून तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.7% से बढ़कर 8.2% हो गई है। एक तरफ जहां जीडीपी बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया टूटता ही जा रहा है। ऊपर से तेल तो और लोगों की जान निकाल रहा है। गिरता जा रहा है, गिराता ही जा रहा है, या कहिए कि गोता लगाता जा रहा है रुपया। पता नहीं कब तक लुढ़केगा, लुढ़कते लुढ़कते कहां तक जाएगा रुपया। आजाद हिंदुस्तान में डॉलर के आगे कभी इस तरह से दंडवत नहीं हुआ था जितना पिछले कुछ दिनों से पसरता जा रहा है रुपया। जानते हैं आप, सुबह सुबह एक डॉलर की कीमत 71 रुपया तक पहुंच गई। रुपया में जनवरी से अब तक 10% की गिरावट हुई है। सिर्फ अगस्त के महीने में रुपया 3.4% तक टूट गया। रुपया गिर रहा है, डॉलर उछल रहा है, डॉलर रुपया में उठने गिरने का रिकॉर्ड बन रहा है, तो तेल लोगों की जेब में आग लगा रहा है। टूटते रुपया का असर है कि ब्रेंट क्रूड $78 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। कच्चे तेल के दाम बढ़े तो दिल्ली में एक लीटर डीजल की कीमत 70.21 रुपया हो गए, तो मुंबई में एक लीटर डीजल 74.58 रुपये में मिल रहा है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 में 1.5 रुपया कम यानी 78.52 रुपये है, तो मुंबई में पेट्रोल के दाम 85.93 रुपये तक पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल का तो डेली डीजल का पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, आदमी खाना पीना भाड़ा भी बढ़ जा रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो भाड़ा भी बढ़ रहा है, तो कैसे चलेगा आदमी, कैसे चलेगा, उन लोग का भी पेट है। तो सरकार ऐसे कैसे चला रहा है, कैसे कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली लेस देन ऑफ 10 years, सो दैट प्राइस विच विल बी हाइक ऑफ मोर देन 100%, सो दैट इज अ टू मच प्रॉब्लम्स। पिछले एक महीने में दिल्ली में पेट्रोल 2.27 रुपये प्रति लीटर और डीजल 2.46 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। विपक्ष अब सरकार से सवाल पूछ रहा है कि और कितना गिरेंगे। क्या कभी सोचा था कुछ दिन पहले तक कि जिस सरकार ने वादा किया था कि पेट्रोल हम 35 रुपये पे ले आएंगे पर लीटर, आज महाराष्ट्र में वो 85 क्रॉस करके 86 रुपये पर लीटर बिक रहा है। दिल्ली में डीजल 70 क्रॉस कर गया है। भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह और बर्बादी के मुकाम तक पहुंचा दिया है। ये देश कभी माफ नहीं करेगा नरेंद्र मोदी को इन नीतियों के लिए। सरकार के पास वही रटा रटाया जवाब है, अंतरराष्ट्रीय कीमतों का हवाला है, जल्द सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा है, लेकिन रिपोर्ट के पर्रे में दर्ज दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था वाले देश में महंगाई से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। संभलना और संभालना जरूरी है, पैसे को भी, तेल को भी, सरकार को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।